एवरीवन, स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल पे। और इस चैनल के माध्यम से हम आज अपने नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे, और वो नॉलेज होगा डिफेंस कॉरिडोर। आज हम इस टॉपिक के बारे में अपने नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे, बहुत ही सिंपल और बहुत ही सामान्य भाषा में। कोई ज़्यादा हार्ड भाषा का यूज नहीं किया जाएगा, आप ऐसे भाषा का यूज मैं करूँगा जिससे आप सीधा का सीधा समझ जाएं। डिफेंस कॉरिडोर, डिफेंस और कॉरिडोर। डिफेंस मीन्स तो आप जानते हैं, डिफेंस करना मतलब रक्षा, रक्षा सोल्जर्स, तोप, एयरफोर्स, नेवी। और कॉरिडोर मीन्स रास्ता, गलियारा। मतलब आज तक तो हम हमेशा जानते थे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, परंतु एक एक नया कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर। मतलब एक ऐसा गलियारा जिसके चारों ओर, जिसके आसपास के जितने भी महत्वपूर्ण हब बनने वाले हैं, उसकी कनेक्टिविटी को कनेक्ट करने का जो रास्ता, एक वे बनेगा, वही डिफेंस कॉरिडोर कहलाएगा। यह एक भारत सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसका थाउट और साथ ही इसको बजट में जो है इसका जगह मिला 2018 और 19 में भारत सरकार के द्वारा। उसके बाद इस परियोजना पे काम चला, इसके लिए दो स्टेट को चुना गया, एक यूपी और दूसरा तमिलनाडु। यूपी को इसलिए चुना गया क्योंकि यह बड़ा प्रदेश है, साथ ही साथ यहां पर श्रम संसाधन मिलने की प्रबल संभावना है, और सस्ते रेट में यहां पे आपको लेबर मजदूर यहां पे मिलेंगे, जिससे आपका जो ये यहां फैक्ट्री होगा, जो यहां पे जो भी यहां पे निर्माण कार्य होगा, उसके लिए सुलभ में हमें, बहुत ही इजी वे में हमें लेबर मिलेगा। तो यूपी का चुनाव किया गया। सेकेंड जो है वो तमिलनाडु स्टेट में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण किया गया। यहां पे 5 टाउन को जोड़ा गया है, ये 5 टाउन दैट इज 5 नोड। इस 5 नोड का मतलब हुआ, जो तमिलनाडु वाले जो डिफेंस कॉरिडोर है उसमें 6 5 पॉइंट को, 5 टाउन को, चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयंबटूर, सेलम और हाउसर, ये 5 जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, इनको कनेक्ट किया गया है इस डिफेंस कॉरिडोर से। सबसे पहले हमारा तो डिफेंस कॉरिडोर तमिलनाडु में बना। कुछ दिन पहले जब रानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन था, उसी दिन भारत सरकार के डिफेंस मंत्रालय के द्वारा एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिस प्रोग्राम का नाम था राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व। और ये जो डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री के द्वारा ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था, ये भारत की आजादी का जो महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसको अमृत महोत्सव के नाम से जाना जाता है, उसी का यह पार्ट था राष्ट्र रक्षा समर्पण। उस दिन भारत के प्रधानमंत्री ने झांसी में 400 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया। वहां पे भारत डायनामिक्स लिमिटेड जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बनाएगा, उसका प्रथम प्रोजेक्ट को वहां पे लॉन्च करने के लिए 400 करोड़ का वहां पे शिलान्यास किया गया। और यहां पे ये जब बन जाएगा तो हमारे पास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खुद भारत में बनेगा, हमें कहीं से लाने का इस टैंक को जरूरी नहीं है। तो फर्स्ट यूपी डिफेंस कॉरिडोर और सेकेंड तमिलनाडु का डिफेंस कॉरिडोर। तो आप इस डिफेंस कॉरिडोर के बारे में आप समझ गए होंगे। आई होप आपको ये बहुत ही सामान्य भाषा में समझ में आ गया, जो हमारे देश में डिफेंस कॉरिडोर भी है, जो दो है, दो स्टेट में है, एक यूपी में और दूसरा तमिलनाडु में। यूपी में ये 6 पॉइंट पे है, फर्स्ट आगरा, सेकेंड अलीगढ़, थर्ड झांसी, फोर्थ चित्रकूट, 5 लखनऊ और 6 कानपुर। ये सब आपस में कनेक्टेड रहेंगे इस डिफेंस कॉरिडोर से। इस जगह बहुत ही, कोई भी कंपनी अगर डिफेंस लाइन में कुछ रिसर्च करना चाहती है तो उनको भारत सरकार द्वारा बहुत ही इजी वे में, सिंपल डॉक्यूमेंटेशन के द्वारा उनको लाइसेंस मिलेगा यहाँ पे काम करने के लिए। वो जिससे क्या होगा, हमारा भारत आत्मनिर्भर होगा डिफेंस सेक्टर में। हम अपने देश में ही खुद हवाई जहाज बनाएंगे, तोप बनाएंगे, फाइटर प्लेन बनाएंगे, हम नेवी का जो शिप होता है वो बनाएंगे। और यही तो है सेल्फ हमारा भारत डिफेंस के सेक्टर में, सारे चीजों का उत्पादन, रिसर्च, उसका निर्माण और उसको निर्यात भी खुद करेगा। तो आई होप आपको यह समझ में बहुत ही सिंपल भाषा में आ गया होगा जो डिफेंस कॉरिडोर क्या है।
और हमारे भारत में किस स्टेट में डिफेंस कॉरिडोर है और उनकी संख्या क्या है। तो आई होप आप इस वीडियो को देख करके आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो और अगर आपके नॉलेज में इंप्रूवमेंट हुआ है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं फिर एक वीडियो लाऊंगा, तरह तरह के एक इंप्रूव नॉलेज वाला वीडियो लाता रहूंगा। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, थैंक्स।